हमरा घर में रोजो सोहर होए, ऐसे हमरा हमरा क्षमता बस सोहर गवावे के। अगर केहू के लगे ताकत होखे तो गवा के देखाओ सोहर। हम ऐसे ना बोली ले उतना ताकत बाजे सोहर गवा दे। एक बार फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? नमस्कार, मैं संजना और आप देख रहे हैं फिल्मी संवाद। सबसे पहले खेसारी लाल यादव ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था पवन सिंह का एज हो गया है और वह अंकल लगते हैं। तो पवन सिंह भी कहां चुप रहते, उन्होंने भी तंज कसते हुए कह दिया, जो मुझे अंकल बोले हैं लगता है उनका जन्म आज ही हुआ है। यहां तक कि पवन सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर खेसारी लाल यादव के लिए सोहर भी गाया। पवन सिंह का कहने का मतलब यह भी था कि यदि हम अंकल हैं तो उनका आज ही जन्म हुआ है। इतना होने के बाद विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में एक वीडियो में खेसारी लाल यादव ने अपने गाने के राइटर अखिलेश कश्यप के गृह प्रवेश के मौके पर पवन सिंह का नाम लिए बिना पवन सिंह पर लगातार हमला बोला। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने एक कार्यक्रम में कहा है कि उनके घर हर दिन सोहर होगा, उनके अंदर क्षमता है, इसीलिए अगर किसी के पास ताकत है तो सोहर गवा कर दिखा दे। खेसारी ने कार्यक्रम में लोगों से अपनी बात कहते हुए यहां तक कि यह भी कह दिया है कि वह मर भी जाएंगे तो उनके घर में सोहर नहीं होगा। खेसारी ने आगे कहा, कुछ स्टार लोग ऐसे हैं कि किसी दूसरे स्टार की चमचई कर अपना जीवन चला रहे हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। खेसारी किसी की चमचई कर आगे नहीं बढ़ा है। इस दौरान मंच पर खेसारी ने अपनी बातों में उनके इस बयान के बाद अब फिर से रिएक्शन आएगा, लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं रहते, उधर से कुछ आएगा तो इधर से भी जवाब दिया जाएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहे इस विवाद पर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखते रहे फिल्मी संवाद।